उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में देर रात एक मगरमच्छ देखा गया, जिसके बाद इलाके में सारी रात रेस्क्यू चलता रहा। लगभग 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को पकड़ा जा सका। इस बीच वन विभाग की टीम नदारद रही। लोगों का आरोप है कि किसी भी जिम्मेदार ने फोन नहीं उठाया। ग्रामीणों और स्थानीय पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को पकड़ा, जिसके बाद पहुंची वन विभाग की टीम मगरमच्छ को अपने साथ ले गई। बलरामपुर में राज्य आपदा प्राधिकरण के उपाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल योगेंद्र डिमरी और पूर्व सांसद दहन मिश्रा ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान दोनों ने ग्रामीणों को राहत सामग्री भी बांटी और हर संभव मदद देने का भरोसा दिलाया। वहीं उन्होंने भुयुरी गांव में कटे तटबंध का भी निरीक्षण किया और अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए। बलरामपुर में 116 नव चयनित लेखपालों को विधायक और अधिकारियों की मौजूदगी में डीएम ने नियुक्ति पत्र सौंपा। इस दौरान डीएम ने कहा कि आप सभी लग्न ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। वहीं विधायक पलटूराम ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा युवाओं के हित में अभूतपूर्व कार्य करते हुए रोजगार दिया जा रहा है। मंगलौर में पुलिस ने पूर्व सीएम हरीश रावत को लिबरहेड़ी गांव में जाने से रोकते हुए गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद अन्य कांग्रेसी नेता प्रीतम सिंह, यशपाल आर्य, करण महरा ने कोतवाली में धरना दिया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता उपचुनाव में गुंडागर्दी पर उतारू हो गए और पुलिस मूक दर्शक बनकर देखती रही। पुलिस प्रशासन मतदाताओं को डराने में जुटा हुआ है। उन्होंने कहा कि खुलेआम लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। 2 दिन पहले राप्ती नदी में आई बाढ़ में श्रावस्ती जनपद में तांडव मचा दिया। इसके बाद विधायक ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और पीड़ितों से मिलकर उनको राहत सामग्री प्रदान की। बता दें, बाढ़ में जिले के करीब 2 दर्जन से ज्यादा गांव जलमग्न हो गए। अमरोहा नगर कोतवाली में लैंडमार्क कॉलेज के चेयरमैन का बड़ा कारनामा सामने आया है। खालिद परवेश ने अपने छोटे भाई के साथ गुर्गू के साथ मिलकर आम की फसल पर फर्जी एग्रीमेंट बनवा लिया और फसल का पैसा खा रहा है। खालिद ने अपने भाई की जमीन पर कई सालों से कब्जा कर रखा है। उसके खिलाफ यूपी के कई जिलों में धोखाधड़ी, जालसाजी के दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं, जिसकी तलाश में भोपाल पुलिस काफी दिनों से जुटी हुई है। मिर्जापुर के मंडलीय चिकित्सालय में एक सपेरा हर साल बरसात के सीजन में सांप काटने के नाम पर खेल दिखाने पहुंच जाता है। अस्पताल में गंभीर मरीजों के सामने शीशे में बंद सांप को निकालकर खेल दिखाने लगता है। इस दौरान मौजूद डॉक्टर भी मजे से वीडियो बनाते नजर आते हैं, लेकिन इससे कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही सामने आती है। इमरजेंसी में संदिग्ध जानवर से मरीजों को जान से हाथ धोना पड़ सकता है। पीलीभीत जनपद में मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सुबह से ही एडीएम ऋतु पुनिया तैयारियों में जुटी हुई थी। इस दौरान वो हेलीपैड और कार्यक्रम स्थल के पास सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मौजूद थी। तभी अचानक भीषण गर्मी की वजह से उनको चक्कर आ गया और जैसे ही वो चक्कर खाकर गिरी, इस दौरान पुलिस कर्मियों में हड़कंप मच गया। तत्काल उनको उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया गया। दरअसल बीते दिन सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ पीलीभीत जनपद में बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा लेने पीलीभीत जनपद की पूरनपुर तहसील इलाके के अभयपुर जगतपुर गाँव पहुँचे थे। महाराजगंज के नौतनवा तहसील क्षेत्र में नाव से नदी पार करके दुल्हन अपनी ससुराल गई। बता दें, समय महाराजगंज में बरसात के कारण नदी में बाढ़ से गांव में आ जाने के कारण एकमात्र सहारा नाव ही है। इस दौरान बराती सर पर सामान लेकर नाव से नदी पार करते हुए नजर आए। कन्नौज में मुखबिर की सूचना पर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि गुरसरायगंज कोतवाल आलोक दुबे ने नंगापुरवा के पास से अरबाज हत्याकांड का आरोपी बिच्छू गैंग के गुर्गे को गिरफ्तार किया है। बता दें, पुलिस अरबाज हत्याकांड में 7 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। 20 जून को स्विमिंग पूल में नहाने के विवाद में बिच्छू गैंग के गुर्गों ने अरबाज की हत्या कर दी थी।